गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के नवागत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था, जल जमाव सहित विभिन्न बिंदुओं पर लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा की जा रही है। महानगर में सफाई व्यवस्था और जल जमाव से निजात दिलाने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखना नगर निगम की प्राथमिकता में शामिल है। नगर आयुक्त ने बताया कि उसी को ध्यान में रखते हुए जनपद के 70 वार्डों में बड़े पैमाने पर सफाई का काम कराया जा रहा है। इसके लिए हमारे जो सफाई कर्मी है, संविदा कर्मी है, उन सभी की टीम बनाकर प्रत्येक वार्ड में सफाई कराया जा रहा है। साथ ही मानसून के दृष्टिगत नालों की भी सफाई कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। क्योंकि जो स्वच्छता जो है नगर निगम की टॉप प्रायोरिटी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हमारे जनपद के 70 ब्लॉक है शहरी क्षेत्र के, उन समस्त ब्लॉकों में विस्तृत बड़े पैमाने पर सफाई का काम कराया जा रहा है। और इसके लिए जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो हमारे स्थायी संविदाकर्मी जो संविदाकर्मी हैं, उन सभी को टीम बनाकर हम लोग पूरा वार्ड वाइज जो इसकी सफाई का अभियान छेड़े हुए हैं। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, जो जनपद हमारा गोरखपुर जो है वो टॉप पे रहे, उसमें जो रैंकिंग है प्रदेश के टॉप जनपदों में रहे। और जो इस वक्त आप भी देख रहे होंगे कि जो स्वच्छता की जो स्थिति बनी है पिछले कुछ महीनों की तुलना में इस वक्त बेटर स्थिति है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतरीन बनाते हुए अब जो प्रदेश के टॉप स्वच्छ जिले हैं उनमें गोरखपुर जनपद का नाम शामिल हो। इसके साथ ही अब चूँकि मानसून जून में आ जाएगा और जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके हिसाब से हैवी रेन्स हो सकती है, तो अभी आज से ही हम लोग सारे जो हमारे सारे नाले हैं उनको हमने चिन्हित करके, जहाँ जहाँ हमारे वाटर लॉगिंग के एरिया है उनको चिन्हित करने के बाद एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि सभी नालों की समय से तली झाड़ जिसे कहते हैं सफाई हो जाए। और उन तली झाड़ सफाई के झाड़ सफाई के बाद से जो उसकी सिल्ट निकलती है उसको उसी स्पीड से उस सिल्ट को भी वहाँ से हटवा दिया जाए। तो निश्चित रूप से जब अगर समय से हमारे सारे नाले साफ़ हो जाएंगे, जितने हमारे चैम्बर्स हैं वो साफ़ हो जाएंगे, तो अगर जो कहीं पे अगर वाटर लॉगिंग होती भी है पानी बरसने के साथ कुछ देर वो रुकेगा, फिर उसके बाद पानी जो है इन्हीं नालों नालियों से होकर निकल जाएगा।